भारत देश की सभ्यता का विकास केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। हिंदुओं के हर त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम के साथ विदेशों में मनाया जाता है। इसी कड़ी में कनाडा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर नवंबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया। बता दें कि हिंदू विरासत माह कनाडा को और मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए हिंदुओं द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया गया है। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू विरासत का महीना मनाया जा रहा है, जहां भारत माता मंदिर ने हिंदू फोरम कनाडा के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के कई राज्यों के सांसद, ब्रैम्पटन शहर के मेयर और नगर पार्षदों ने भाग लिया। वहीं राजनेताओं ने हिंदू विरासत के महत्व पर खासा जोर दिया। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि हिंदू हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जहां ब्रिटेन को हिंदू मूल का पीएम मिला तो वहीं अमेरिका को हिंदू मूल की उपराष्ट्रपति। You know, this year, a lot of good things are happening to Hindu Canadians. Absolutely. You know, we have a Hindu becoming the Prime Minister of the United Kingdom. Now we have two people of Indian heritage in high positions, one in as the Vice President of the United States. हिंदू वैदिक विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग इस आयोजन के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने अपने भाषण और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से 150 से ज्यादा प्रतिभागियों की भावनाओं को जोश से भर दिया। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय भारतीय नृत्य भी शामिल किए गए। वहीं जेफरी आर्मस्ट्रांग ने हिंदू श्लोक गाकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैश्वानरं द्युत्पत्ति भूमिर् अग्नि इन्द्रोश पातमिनेनो ददातु हिर्यास्वे पर्वता हिमवन्तो अन्यं ते पृथिवीस्यो नमस्कुरु अर्जुन कृष्ण रोहिणी विश्वरूपं रुवं भूमि पृथिवी इन्द्रगुप्त अजतो हतो अक्षतो ज्येष्ठम। बता दें कि कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस साल की शुरुआत में नवंबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। कनाडा सरकार के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 2021 की जनगणना में बताया गया कि 2001 से 2021 तक कुल कनाडाई आबादी में हिंदुओं की संख्या 1.0% से बढ़कर 2.3% यानी 8,30,000 लोगों के करीब हो गई है। ओंटारियो में हिंदुओं की आबादी का 4.1% हिस्सा है। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बड़ों तक की प्रतिभाओं ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।